जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। मोक्षदा एकादशी की जय हो। मोक्षदा एकादशी कब है जाने महत्व और शुभ मुहूर्त पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम होता है। ये व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधा से पूजा की जाती है। आइए भक्त जानते हैं मोक्षदा एकादशी कब है। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदैया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही पितरों की मुक्ति भी मिलती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के वक्त भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मानता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना से सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वस्थ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन अक्षत्र पीले अवश्य फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा की व्रत कथा का पाठ करें, साथ ही विष्णु चालीसा का भी पाठ करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, विष्णु भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी का पारण का समय। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण तिथि गुरुवार 12 दिसंबर को। व्रत पारण का समय सुबह 7:05 से प्राय 9:09 तक रहेगा। जय श्री कृष्णा। विष्णु भगवान का एक प्यारा सा भजन।
जब भक्त बुलाते हैं हर दौड़े आते हैं, वो तो दीन और दुखियों को आके गले लगाते हैं। जब भक्त बुलाते हैं हर दौड़े आते हैं, द्रौपदी ने जब उन्हें पुकारा दौड़े दौड़े आए, द्रौपदी ने जब उन्हें पुकारा दौड़े दौड़े आए, भरी सभा में चीर बढ़ा के उसकी लाज बचाए। वो बहुत दयालु हैं, वो दया के सागर हैं, वो चीर बढ़ाते हर दौड़े आते हैं। जब भक्त बुलाते हैं हर दौड़े आते हैं, अर्जुन ने जब उन्हें पुकारा सारथी बन के आ गए, गीता का उपदेश सुना के उसका भ्रम मिटा गए। वो ज्ञान सिखाते हैं, वो भ्रम मिटाते हैं, वो गले लगाते हैं हर दौड़े आते हैं। जब भक्त बुलाते हैं हर दौड़े आते हैं, धन्य के जब उन्हें पुकारा ठाकुर बन के आ गए, पत्थरों में दर्शन दिखा के प्रेम का भोग लगा गए। वो दर्श दिखाते हैं, वो हल चलाते हैं, वो मान बढ़ाते हैं हर दौड़े आते हैं। जब भक्त बुलाते हैं हर दौड़े आते हैं। मित्र सुदामा द्वारे आए, दौड़े दौड़े आए, दो मुट्ठी संतु के बदले उसका महल बना गए। जो फर्ज निभाते हैं वो गले लगाते हैं, वो महल बनाते हैं हर दौड़े आते हैं। जो जब भक्त बुलाते हैं हर दौड़े आते हैं, वो दो दीन और दुखियों को आके गले लगाते हैं, हर दौड़े आते हैं।